फ्रेंड नमस्कार। यह एक छोटा सा कहानी है जो शिक्षा प्रद कहानी है। धैर्य का फल, सब्र का फल कहानी का टाइटल है। और आशा करूँगा कि यह जो कहानी है आपको काफ़ी प्रेरणा देगी, बहुत कुछ सीखने को देगी। तो साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है कि एक संस्था में सोहनलाल करीब लंबे समय से काम कर रहे हैं। अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन उस संस्था को उन्होंने दिया है और संस्था के उन्नति प्रगति में उनका काफ़ी योगदान रहा है। उनकी काम जो है सराहनीय रहा है, प्रशंसा प्रेजवर्दी रहा है। उनके काम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं आती है। तो इस तरह के सोहनलाल होते हैं, लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और कंपनी के हित में काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा किया है। लेकिन उनके मन में एक बात का हमेशा चोट रहता है, एक बात का हमेशा घाव रहता है दिल में कि औरों की अपेक्षा जहां उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनकी इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलती है, 12 से 14%, 16% मिलती है, इनकी 10 से 12% के बीच में मिलती है। ये सारा चीज़ें लेकर उनके मन में ये चीज़ें भरी रहती है, जबकि काम करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से, योग्यता से संस्था को काफ़ी बढ़ाया। उनका मान सम्मान काफ़ी है, चाहे एक वो उस संस्था के मालिक भी उनकी काफ़ी मान सम्मान करता है और जो उनके साथ काम करने वाले साथी लोग हैं, उनके सहयोगी हैं, वो भी प्रशंसा करते हैं कि सोहनलाल बहुत अच्छा काम करते हैं। लंबे समय बीत गया लेकिन ये मलाल उनके मन में ही रहा कि इस संस्था ने मेरे लिए अच्छा काम नहीं किया है। तो उन्होंने अंततः एक निर्णय लेते हैं कि चलो अभी एक काम करते हैं, इस संस्था में हमने काफ़ी लंबा समय दिया, मेरी योग्यता है, मैं बाहर में काम कर लूँगा, कमा लूँगा, इस संस्था को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं कि एक रिजाइन लिखते हैं, त्याग पत्र लिखते हैं और अपने ओनर के पास जाते हैं, मालिक के पास जाते हैं। कहते हैं कि सर मैं अब थक गया हूँ और मैं आराम चाहता हूँ, मैं इस नौकरी से, इस अपने पद से त्याग पत्र देना चाह रहा हूँ और आप मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें। ओनर कहता है ठीक है सोहनलाल जी, आप त्याग पत्र दे रहे हैं, दे दीजिए मुझे, लेकिन आप जब जा ही रहे हैं तो जाते जाते कम से कम एक मेरा और प्रोजेक्ट का काम कर दीजिए, उसके बाद आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनर ने कहता है कि देखो जी ऐसा है, मुझे एक रहने के लिए एक अच्छा सा मकान बना के दो, आप मुझे उसका कंस्ट्रक्शन करा दो, उसका फिनिश करवा कर आप मुझे ये काम करके दे दो। बाकी आप आपकी जो डेट है त्याग पत्र का, जिस दिन तक आपकी ड्यूटी कर रहे हैं उस दिन आकर अपने हिसाब उसाब लेकर आप चले जाना। तो सोहनलाल कहते हैं चलो जी, त्याग पत्र मेरी स्वीकार हो गई है, अब इतना दिन रह गया है, ये एक लास्ट काम है, अंतिम काम है, चलो इसको कर ही डालते हैं। तो इतने लंबे समय से काम करते आ रहे थे, सब काम में वो अव्वल काम किए थे, अच्छा एक्सीलेंट काम किए थे, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट उनके हाथ में आया, कह के अब तक तो सारा काम मैंने अच्छा ही किया है, चलो आधे अधूरे मन से इस काम को कर देते हैं, क्योंकि अब क्या है, अब तो मैंने रिजाइन दे रखा है, क्या करना है, अब कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, मैं तो रिजाइन दिया हूँ, जैसे तैसे इस काम को कर देता हूँ। तो उन्हें आधे अधूरे मन से उन्होंने क्या किया, एक मकान बनाना शुरू किया। उस मकान में अच्छा फिनिशिंग नहीं किया, अच्छा ईंट नहीं लगवाया, अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं, अच्छा रोड नहीं लगवाया और कुछ भी ढंग से नहीं किया, उन्होंने आधे अधूरे मन से उस काम को किया उन्होंने। और पूरा काम पूरा करके जिस दिन उनको हिसाब लेना था, उस मकान का चाबी लेकर अपने ओनर के पास, मालिक के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि सर ये लीजिए। उस निर्धारित तिथि को, दिन को सोहनलाल मालिक से मिलते हैं तो मालिक भी उनका हिसाब लेकर बैठा ही रहता है और सोहनलाल कहते हैं कि सर ये लीजिए, मैंने अंतिम जो काम आपने जो मुझे सौंपा था मैंने पूरा कर दिया है, ये लीजिए उस मकान की चाबी लीजिए। तो मालिक कहता है कि नहीं, ये चाबी मैं नहीं लूँगा, ये चाबी मकान का आप रख लीजिए, ये जो मकान है मैंने आपके लिए ही बनवाया है, आपने इस संस्था को
अपने खून पसीने से सींचा है, ईमानदारी से काम किया है, इसलिए इस मकान पर आपका हक बनता है और ये आपका हिसाब बनता है, दोनों लीजिए। अब जो इसे ये बात सोहनलाल सुनता है कि ये मकान जो है ऑनर ने मेरे को इनाम में दिया इतने साल की मेहनत से, उसकी दिल बैठ जाता है, उसका दिल बैठ जाता है और मलाल होने लगता है कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया जीवन में, ये मैंने क्या किया अब तक, इतने अच्छा 99% मैंने काम अच्छा किया, 1% गलत काम कर दिया, वो भी अंत समय में। अब वो रिवार्ड जो है मुझे मिल गया, मालिक ने मुझे दे दिया, तो जब तक उस मकान में सोहन लाल रहे तब तक वो उनका ये मलाल ही रहा कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। जब तक आप हो किसी संस्था में, मतलब यही हुआ कि जब तक आप किसी भी संस्था में हो तब तक आप पूरी ईमानदारी लगन से, वो आखिरी घंटा भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। यही चीज़ है। ये सोहनलाल को आज झटका जो लगा, इतना बड़ा दिल में बात बैठा, जो आधे अधूरे से मकान बनाए, आज उन्हीं का वो मकान है, इनाम मिला वो। तो होता है ऐसे, जब भी आप ऐसे काम करें करते हैं तो संस्था में कभी भी काम करें, जित लास्ट समय तक भी अपने योग्यता को अपने नॉलेज के अनुसार जो काम है ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ये शिक्षाप्रद कहानी है, इससे यही मिलता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, अपने काम के प्रति वही ईमानदारी रखना चाहिए जो हमारा शुरू में होता है। आशा करता हूँ ये कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।